उन्हें कसूर की सी, उन्हें अपनी पग नूं रीत पिंड कीता, उन्हें अपने खानदान नूं, अपने मां बाप नूं, अपने पिंड नूं दुनिया भर के नक्शे ते लेके आंदा। उन्हें कदे शराब की गल ना गाने कीती, उन्हें कदे किसे धी भैण दा लक ना मिलिया, किसे दे कोके दी तारीफ ना कीती, उहदे सूटां लीड़ा कपड़े दी तारीफ ना कीती। इस तो दरवेश गायक सुन कितने मिल सकते हैं, और उन्हें अंखी गाने गाए, और अंखी गाने के बीच गाँव गाँव वह इन्ना हिट होया कि उन्होंने गोरिया ने कालिया ने कबूल किया, साड़ी कौमी तो करनी पैनी। भी गिरफ्तारियां हो चुकी अपने देश में, जरा इन्ने बंदे एक कलाकार बात वास्ते तुरे फिरते। जिमें तुम्हें तो पता ही है, आप पिछले कमी क्योंकि आप जस्टिस की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई शुरू की हुई, और बाखूबे लोगों का पूरा भरना हंगारा मिल गया। सू मैं जिते भी जाना आवाम के अखा के बीच हंझू वेखता, मैं जिदे कि मैं गल करता हाँ, मावं भैन सारे इस तरह महसूस करते जिन्हें कोई उन्होंने अपने परिवार का मैंबर चला गया। होवे भी क्यों ना, क्योंकि एक बकर बंदे की बड़ी बेरहमी के नाल जो एक वधिया अपने रस्ते से चल रहा सी, अपनी कम्यूनिटी नूं, अपनी कौम नूं, अपने कल्चर नूं, अपने म्यूजिक के जरिए बहुत वधिया सेध दे रहा, परंतु साढ़े मारे सिस्टम ही पेंड चढ़ गया। कसूर जे देखा जाए तो वह 0% भी सारिया जांच एजेंसियां ने भी यह गल क्लीयर करती कि सिद्धू का कसूर नहीं। फिर वो जो कसूर नहीं सी तो फिर यार उन्होंने इन्नी बेरहमी ना मारन की की लोड़ पई। जे कसूर आपां तों गलतियां हुंदियां ने, अपने कोल सिस्टम है, अपने कोल अदालतां थाने ने, आपां उहदी कंप्लेंट करदे आं, उहनूं उत्थों सज़ा दिवाउंदे आं। पर इन्हां लोकां नूं किहने पावर देती भी इह एड्डे वड्डे वड्डे वैपन लै के शरेआम गड्डियां दे विच घूमदे फिरदे आ, शरेआम लोकां नूं धमकियां दे के उहनां तों पैसा वसूल करदे आ। तां असीं गौरमेंट तों कोई बहुता कुछ नहीं मानते, असी केवल जिंदा रहन की सह लैन की आग्ञा मानते। रोटी असी अपनी आप कमा के खा लेंगे, सारे बच्चे ने भी 2 कमर के मकान च उठ के अपने बलबूते के उत्ते विश्व भर के झंडे कटे हैं, तो साडे च टैलेंट की कमी नहीं है। आ सानू मारन वाले, साड़िया लत्तां खिंचन वाले साथों परे कर दो, तरक्की असी आप ही कर दें। थोड़े सामने सिद्धू एक योजा बच्चा जो राइटर भी आप, गायक भी आप, और वो सब कुछ सारे तो बढ़िया जी अगली गल, एक बढ़िया इंसान ये मन के अपने इलाके प्रति, अपने खिते प्रति, जिथे वो जमया पलिया वो प्रति अंतों का मोह कोई हर एक बंदा नहीं कर सकता। फिर वो मैनू भी बेटा हमेशा ही यह सवाल करता हूँ, पापा गल की है, जिहड़ा बंदा अपने पिंड चो कमिश्नर पोस्ट पर पहुँच जाता ना, वह पिंड तो दूरी बना दे, उसके मन के भी एक टीस सी भी मैं कामयाब तो हो मैं रहना पिंड च। उन्हें अखीर तक मैं भी एक फादर बहुत समझाया भी इस तरह करके अपनी इंप्रूव कर लगे ने, जो आप तरक्की कर लें भी तो कित शहर मोटी पा ला है ना, जिदा आप सलाह दें माँ बाप दे रहे से, पर उनके मन के सब पास तो उपर से आपके इलाके का प्यार, आपके लोगों का प्यार, क्योंकि वह कॉलेज यूनिवर्सिटी गया, उत्थे जाके बठिंडे मानसा के बच्चों ना बाकी स्टूडेंट्स आए समझ लिया जिमें किसी असं आदकाल चू आए होंगे, पर बैकवर्ड जहा है भी यदि कोई दौरा नहीं थोड़ा बहुत तो फर्क है, क्योंकि स्कूल कॉलेज ही है अपने इलाके का। वो उस खप्पे को मिटाना चाहता है, शायद राजनीति के आना भी वह इस गल का संकेत कर सर पर कई बरले वो मन के जो समा नहीं मिल सकता भी वह अपने नाल ही रह गया। परमात्मा करे कोई आपको बख्शे है ना, आप कोई
अधूरी खाश नूं पूरे कर सकते हुए तां उहदी वाह लाओ, क्योंकि तुसीं वी सारे जी चाहुंदे हो वी सिद्धू दे चक्कर ते क्लोज ना हो, वो जिंदा रहना चाहिए। शरीरक तौर पर अपने विच नहीं है पर आत्मिक तौर पर जरूर विचरता है। वह जो चाहता सी पॉलिटिकल सिस्टम के सुधार करता सी, क्योंकि लोगों ने राजनीति को भी आमदन का साधन बनाता, इस करके ये किता जो बदनाम हो जाता वह आमदा राजनीति सब तो वड्डा कारण यही सी कि पापा पैसे का साधन अपने को है कमा, आप जे इनू चुनना है तो आप अपना वाधू समा एक सेवा के तौर पर चुनना तो आप दूजे को बैटर कर सकेंगे, आप दूजे लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। इस गल योदा सुपना से तुम वेख्या होगा भी 22-23-25 साल तक ना अपन लीड़े कपड़े पाँव का खाण पीन के हनाने पर बजुर्गों वर्ग की सोच उन्होंने कदे भी कुछ स्पैशली अपने खाण पीन का मतलब नहीं है, जब मैं आह ब्रांड पाने का कोई मतलब नहीं। तुम वेख्या होना लास्ट वाले दिन भी 100 रुपए दाटा की चप्पल पाई हुई पर लोअर टी शर्ट सिर पर भरना पड़ता है। और मैं पापियों को एक गल दसनी चाहना भी मैनू अजे तक वह परना नहीं मिले बच्चे का, तुम एक सानू बंगार दिती है और असं तो कबूल भी करते, तुम जिथे वो केसा की बेयर भी की, जिथे मूँह च सिगरट पा के दोनों हथों के फिल्मी स्टाइल फैर किए उत्थे साडे कानून का जनाजा निकलिया, भी इतने एक आम नागरिक को इन्नी आजादी है घूमने 10-20 मिनट लिए बच्चा घरों बाहर गया और छाती से 100 फैर कर दिता जाए और मारने लिए ग्रनेड रॉकट लंचर AK-47 इन्ना असला इकट्ठा किया जाता है। मेरा ख्याल है जे आप घट्टो घट्ट कीमत भी लाइए तो 1 करोड़ रुपए तो वध के वैपन बनते हैं। तो मैं सिस्टम को यह गल पूछनी चाहना भी करोड़ रुपया एक मेरे अनभोल बच्चे मेरे फकर बच्चे मारन वास्ते कि लोगों ने पैसा लेके आता, कि दो बंदे जेल से बैठे तो नहीं सब कुछ कर सकते भी करोड़ रुपये का कैश इधरों इधर कर दे, सारे जिन्हें वैपन उन्होंने मिले है वह हथियार लेके भेजते हूँ तो जिन्हें उन्होंने शूटर मिले उन्होंने सारे एवं गल करके 40 बंदे देखो 30 गिरफ्तारियां हो चुकी अपने देश में, जरा इन्ने बंदे एक कलाकार मारन वास्ते तुरे फिरते वो कसूर की सी, उन्हें अपनी पग में रिप्रजेंट किया, उन्हें अपने खानदान अपने माँ बाप को अपने पिंड दुनिया भर के नक्शे से लेके आता, उन्हें कदे शराब की गल ना गाने की, उन्हें कदे किसी धी भैन का लक ना मिले किसी के कोके की तारीफ ना की, सूटा लीला कपड़े की तारीफ ना की। यार इस तो दरवेश गायक सू कि मिल सकता, इस करके 40 बंदे मारन वास्ते लाते और उन्हें अंखी गाने गाए और अंखी गाने के बीच गाँव गाँव वह इन्ना हिट होया कि उन्होंने गोरिया ने कालिया ने कबूल किया साड़ी कम्यूनिटी करनी करना। तुम तो 4 महीन बाद बैठे हो जो थोड़े सीने के दर्द है जो थोड़े दिल के तीस हैगी इस गल तकलीफ है तुम तो बैठे फिर किसी को एक घंटा टाइम नहीं होंगे आप तो रिश्तेदारी नहीं कितने जाया जाता अज जाने अगले संडे जावे छुट्टी लेके जावे कि टाइम होंगे। सो गलां तां आपां जिन्नियां मर्जी कर लीए 24 घंटे कहूँगे मैं 24 घंटे बोलता रहूँगा, पर कल दे मैनूं चैनल वाले भी बड़े फोन करके पुछ रहे जी जीपू ली फड़िया गया तुसीं कर यार इन्हां करिंदियां दे फड़न नाल सानूं की फर्क पै, वो तो एक दिहाड़ीदार काम है नहीं, उन्हां नूं विदेशां च बैठे हुए गोल्डी वर्गे हायर कर लैंदे ने, किसी नूं 50,000 खरीद लिया किसी नूं 1 लाख रुपये खरीद लिया फिर वह खरीद के सानू मारन वास्ते ला दे, और इन्हों का सिस्टम ही यही है क्योंकि इन्होंने पता सानू ट्रेंट फ्रेंट से लेके आएंगे आके पुलिस को कह देंगे भी दो फलाने फलाने बंदे उत्थे बैठे फड़ लगे दो तो केस पा देंगे जिवें नंगल अंबिया ने केस दो ही फड़िया उदू पहले जो मर्डर हुए किसी एक फड़े किसी दो फड़े वो इन्हों का सिस्टम है। इन्होंने नवे शलारू पिंडां चों लै लेने किसी 50,000 का खरीद लिया किसी वह 1 लाख रुपया दे के वह अपने आप उन्होंने उत्ते पर ज्यादा जो जो मुकदमा चल पूरा वह फेर भरी और उन्होंने खाते के कतल एक होर चुके
उन्होंने जो 65 पर्चे है तो उत्तर 70 पर्चे हो गए, उन्होंने की फर्क पैदा, उन्होंने तो इंक्रीमेंट लगता, उन्होंने तो खौफ जनता के उत्ते होर बढ़ता है। आ मेरे नाल एक मुलाजम है, मेरे थोड़ा जिक्र दसा, पिछले दिन की गल है, बिजली बोर्ड चो बेचारा रिटायर होया, 24 लाख रुपया मंगया मिले उन्होंने पेंशन के उत्ते, आप सारी उम्र पाई पाई करके जमा करते हैं भी जो तो जान लगे जा कुड़ी मुंडे का ब्याह कर लेंगे जो घर घूर पा लेंगे दो कमरे, बंद को एक रिटायरमेंट के उत्ते एक लीव होंगी है, आप बाकी जिंदगी सैटल करने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस 24 लाख रुपया ले गया, उस तो बाद पुलिस बंद पेगी, कहते गैंगस्टर ने लिख गया तू पैसे दिखा भी जो तलवार करते घर की करूंगा भी तेरा पोता मारेंगे। अगला कहता हूँ मैं जिद करके की कट लिया, असं प्यो को तड़े रहे घर पट गए, साडा रौला किस दे नाल, वो बड़े नां नूं मार के बड़ा खौफ पैदा करना चाहते हैं, बाकी छोटे मोटे तो आप ही डर जाएंगे जो सिद्धू मूसेवाला मारता है। मैं गौरमेंट नूं इक्को ही गल कहना, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसीं उहनां च 8 नूं गिरफ्तार कर लो, 10 नूं कर लो, बेशक सारे छड्ड दिओ, क्योंकि उहदा करिंदे ने तुसीं जिहड़े फड़ने आ जिहड़े जिन्हां नूं 200-200 बंदा लगे सिक्योरिटी देके ना, तो 50-50 परचे हुए, जदों 64 परचे दे विच उहनूं अज तक सज़ा नहीं हुई, तो मैं किवें मन्नना सिद्धू मूसेवाले केस नूं फांसी लग जाऊ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਫੀੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚੋਰ ਜੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਢਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ 6 ਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, 5 ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡ ਧੁੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੂਨ ਖਾਉਣਗੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਪਾ ਨਾ ਦਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਘਤਾ ਪਾਊਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਜੜਦੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ, ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ
परिवार के मोटे न मोटा ला के खड़े हो तो सारे दिलों सलूट कर, क्योंकि एक आवाम का पुर जो साथ ही मैं इतों तक लाया और आप बाकियों बद कामयाब भी हाँ। जो बाकियों के दो दो गिरफ्तारियां हुई तो आप सर वाडा धरिया हो, पर अपना वाडे न भी मन नहीं कर। ये जब तक कहानी किसी सिरे नहीं ना लगती, जब तक गोल्डी वर्गे देखो कल मुंडी फड़िया अज गोल्डी का बयान आता तड़के इन्हों का ध्यान रखा जाए। वो पंजाब के साडे डी जी पी हदायतों दे रहा है, जेल मंत्री हदायतों दे रहा, फलाना अफसर तंग करता है, नहीं नहीं सिटे भुगतने लिए तैयार हो जाए, कमाल हो गए सरकार चले। आप खाड़कूबाद भी वेख्या पर कदे किसी एरिया कमांडर के मगर मैं बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर कमांडर के लड़ता से देखे ने तू मेरे दस मुकाबले हो गए ऐसे डी आसे पास कदे किसी ने बाह नहीं फड़ी सी। और जिन्ना इन्हों संभाले जा रहा है तो इस तो एक गल स्पष्ट होंगी है भी ये राजनीतिक गुंडिया का गठजोड़ है जो कोई बंदा सरकार कह ही नहीं सकती है भी तुम कहो राखी करो। अज चौथी बार दिल्ली की गौरमेंट ने कहता भी गैंगवार हो सकती है, दूजे ग्रुप वाले लॉरेंस में जगू मार सकते हैं। पुलिस ने फिर हदायत करती और मेरे पुत की एप्लीकेशन दिल्ली आई भी शाहरुख नाम का गैंगस्टर सिद्धू के घर 147 लेके घूम के आ गया और पंजाब के सब तो वध खतरा सिद्धू नूं है। पहला जी दा बके रहेगी वीरो अगले दिन सिक्योरिटी वापसी के हुक्म देते समझ भी वापस ले लो गए है सिद्धू ने हत्था करता जे असी बाहर ना जाते तो सानू घर के भी मार देंगे, क्योंकि जे तुसी आपां बैठे हो दस बंदे बंदूक वाले आपां नूं अग तड़ तड़ करके फायर कर दे कितने भजेंगे, आपां नूं दो मिनट का समझ ही नहीं आती करिए कि यह कौन है मारन वाला कितों है कि अपने की रौला है। जदों आप गल समझते उदों अपने दो चार बंदे मार देंगे जिन्हें अपने घर बैठे यहोजा माहौल क्रिएट करता भी। हुण तुसी मेरे ते ला लो मैं की गलत करती, मैं कहना मेरी बोली हुई एक गल मैं सोशल मीडिया के उत्ते बोलना लगभग हर एक भी मेरे शब्द शब्द रिकॉर्डिंग है एक शब्द को भी कढ़ के मैनू झूठा साबित कर दौ छित्तर थोड़ा सिर जिहड़ा। जो शब्द बोलना जिम्मेवारी ना बोलना सच्चाई के आत्म नेड़े तेड़े जाके बोलना, नहीं मैं अभी झूठा इल्जाम किसी से लाउंदा नहीं। मैं कहना मेरे पुत्र की सिक्योरिटी वापस हुई धक्का किया जिते गैंगस्टर ने मेरे बच्चे को मारिया उत्थे सरकार ने भी घट नहीं उन्हें भी सोशल मीडिया से पास भी ले ली सी जे अनाउंस भी ना करते भी कुछ ना कुछ बचत रह जाते। उन्होंने हौसले इन्ने बढ़ गए उन्होंने एक गड्डी ग्रेनेड रख ले एक 47 रख ली और मेरे घर के आसे पासे गेड़े दे गए भी किसी वेले का कला निकलूगा बाहर 24 घंटे तो मैं नौजवान बच्चे गेट अंदर बंद करके नहीं रख सकता। कदे तो बंदा खेत बन्ने गेड़ा मारूगा कदे तो सत्त च निकलूगा किसी पिंड के चाचे ताए नूं मिलूगा बाहर आके। सो बस यही मन के दो चार गल् होंगे जी एतवार में तुम आने थोड़े न शेयर कर लेना ते आपा जी अपनी जंग है इन्हू जारी रखा गोल्डी वर्ग के जिंद च नत्थ नहीं पैंदी हाले आप थोड़ा जहा टाइम देवे प्रशासन को उस तो बाद कोई अगले देखा भी इन्हों का की हल करना फिर क्योंकि पब्लिक चाहे तो फिर की नहीं होंगे। आप मजबूर कर देंगे उन्होंने फैसले लेने फिर हाल चुप नहीं वेख रहे ने होर किन्ने को चिड़दे जे एक बंदा मैं नहीं कहता भी गैंगस्टर का इनकाउंटर कर दो ना करो इनकाउंटर उन्होंने समझा दो मुख्यधारा च लिया ग्रांट दे दो कोई नौकरी नौकरी फैक्ट्री खोल दो कोई दुकान खोल दो कम कर दे लोगों के जवाकतान बारे असी गल मैं कदे नहीं कहता भी इनकाउंटर किसी चीज़ का हल नहीं है। या तो वह बंदा ये गल कह दे भी मैं तो भाई मेथों हो गई है गलती मेथों का सिद्धू मूसेवाला गलत मारे गया और अगे तो मैं गुनाह नहीं करना चाहता मैंने माफ़ किया जाए मैं तो एक नंबर की जिंदगी जीना चाहता माफ़ कर दौ नमैश कदों लाते फिर उन्हें झिझी हिसाब चाहता फिर तोर दौ मौका दौ। मैं नहीं कहता भी वह भी इंसान है वो भी माँ हो घर वो भी प्यो होगा भी किसी को मार देना कोई हल नहीं है
पर जे बंदा पंजा पंजा परचे करके पंजा पंजा जुर्म करके जी सुधरना ना ही नहीं लेना और वो इकोनॉमिकली सरकार दे पैरेलल फरौतियां इकट्ठिया करता है, टैक्स इकट्ठे करता है, जजिया इकट्ठा करता है अंग्रेजा नाल, पर फिर भी ओहदा कानून च विश्वास ही नहीं, फिर उहनूं कानून दी मदद कदों दिंदे हो? मेरा अदालत ते भरोसा तां होवे जी, मैं अदालत तों सेफ्टी मंगदा। जो तो मैं दो नंबर के काम करने हैं उदो तो मैं जाके कहना भी जाके मूसे कला घर अच्छ रात को मारना है, तीह तरीक ना हो जाए चार तरीक तो बाहर शोर हो निकल जूगा मुड़के अपने लुट नहीं होना। वो भाई संविधान के मुताबिक मारे असी, तो जे थोनू कोई खतरा होंगे तो फिर मैं गवर्नमेंट को पूछना चाहता भी थोनू बैंक की चिंता कह दी है? ये कोई सरकार का डिपार्टमेंट है? ये कोई सरकार को रेवन्यू इकट्ठा करके देंगे? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਆਪ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਜੇ ਦੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜਕੇ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।